नमस्कार, मैं हूं नीरज उपाध्याय। आप देख रहे हैं प्रकाश प्रभाव में। पेश है आज की खास खबर। राजधानी लखनऊ में पुलिस के संरक्षण में अराजक तत्वों का अड्डा बना होटल रणवीर। भारतीय किसान यूनियन द्वारा होटल रणवीर पर लगाए गए गंभीर आरोप। आज का जो हमारा मुद्दा है, अभी पिछली 19 तारीख को एक सहारा के सामने होटल है रणवीर, उसमें पार्टी चल रही थी और रात 12-1 बजे शराब का सेवन किया जा रहा था एक होटल के अंदर। ऐसे कई होटल हैं गोमती नगर में और लखनऊ के अंदर जहाँ पर डे नाइट जो है ये कार्यक्रम चलता है। नशे से हमारा देश, हमारे देश का युवा सब बर्बाद है। पूरी राजनीति आप देख रहे हैं, अभी निकाय चुनाव आने वाले हैं, पंचायती चुनाव आने वाले हैं, उसमें क्या होता है, प्रधान या हो या विधायक हो या सांसद हो जो चुने जाते हैं वो नशे की वजह से गलत प्रतिनिधि चुना जाता है और इस नशे की वजह से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बर्बाद हो रही है। इस नशे पर लगाम क्यों नहीं लगाई जाती है? मैं एक किसान प्रतिनिधि हूँ और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब किसानों के उत्पाद पे क्वांटिटी निर्धारित है तो इस पर रोक क्यों नहीं लगा जा रही कि एक आदमी या एक दुकानदार इतनी शराब बेच सकता है? उस पर तो लॉकडाउन के दौरान भी जो है शराब की दुकानें धड़ल्ले से खुल रही थी, सारा व्यापार ठप था लेकिन शराब की दुकानें चल रही थी। क्या कारण है? इसका रीज़न ये है कि सरकार के पास राजस्व आना चाहिए मनोरंजन कर। आप देख रहे हैं हमारा समाज बिगड़ रहा है आज नशे की हाल नशे को लेकर। बॉलीवुड से आप देख लीजिए, ठीक है, कोरेक्स ड्रग्स लगातार ये हमारे समाज को बर्बाद कर रहा है ये नशा। इस पर रोक सरकार क्यों नहीं लगाती है, उसको बढ़ावा क्यों देती है? होटलों के पास लाइसेंस है कि नहीं लाइसेंस है? कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं कि वो 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक दारू पिला रहे हैं अपने होटलों में? और इन नशे से कितना अपराध बढ़ता है इसका कभी आंकड़ा दिया सरकार ने?